जब हमारा दिल, जब हमारा दिमाग उन खुशियों को बार बार पाने का प्रयास करेगा, कुछ बड़ी बड़ी पॉलिसियों को करने का प्रयास करेगा, कुछ बड़े बड़े MDRT जैसे लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेगा, तब निश्चित तौर से वही हम रहेंगे, वही हमारा काम रहेगा, लेकिन उसमें एक अलग तरीके से ज़बरदस्त मज़ा आने लगेगा और उस ज़बरदस्त मज़ा को बार बार पाने का दिल करेगा। और जब हम बार बार उस सेलिब्रेशन को याद करेंगे और उस सेलिब्रेशन को मनाएंगे, तो वही अवचेतन मन हमें उस लक्ष्य को बार बार हासिल करने के लिए स्वतः प्रेरित करता रहेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करें, बड़ा या छोटा, अपने लिए जीत के जश्न को सेलिब्रेट जरूर करें। जब हम सेलिब्रेट करने लगेंगे तो यही दिल, यही दिमाग हमारे अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा देगा, और जब हमारे अंदर इनर पावर आएगा, इंस्पिरेशन आएगा, तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हम क्यों अपना इरादा बदलें, हम क्यों अपनी चाहतों को ख़त्म कर दें, हम क्यों अपने सपनों को मार दें? नहीं, जब हम कोई लक्ष्य बनाए हैं, कोई इरादा बनाए हैं, कोई अपने लिए मुकाम हासिल करने की चाहत बनाए हैं, तो उसको अंत तक हासिल करने का प्रयास करें। कभी हार न माने, अंत तक लगे रहें, आखिरी मोमेंट तक लड़ते रहें, और यही आखिरी मोमेंट हमें जीत का मुकाम हासिल करा देता है, हमें सफलता दिला देता है। और एक बार सफलता का स्वाद जिसने चख लिया, उसके बाद उसे बार बार हासिल करने का मन किया करेगा। जो एक बार सफल हो जाएगा, वह बार बार सफल होने का संकल्प ले लेगा, क्योंकि सफलता का स्वाद गजब का होता है। जो इंश्योरेंस एजेंट एक बार एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेता है, एक बार बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है, वह उस पर बरकरार रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ से इनकम आती है, वहाँ से नाम बनता है, वहाँ से पहचान मिलती है, वहाँ से पुरस्कार मिलते हैं और वहाँ से सम्मान मिलता है। सम्मान के लिए काम करिए मित्रों, पुरस्कार के लिए काम करिए मित्रों, नाम के लिए, शोहरत के लिए और पैसे के लिए काम करिए मित्रों। मैं ऐसा मानता हूँ, परिवारों में विघटन होता है, समाज में विघटन होता है, 10-10 रुपए के लिए किच्चाइन होता है, केवल और केवल आर्थिक अभाव में होता है। पैसा अपने पास इतना होना चाहिए कि कोई सामान कभी भी महंगा ना लगे, और जिसको पैसे कमाने की लत लग गई, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि आपको देख के कोई LIC एजेंट आपको अपना गुरु मान ले, आपको देख के कोई भी LIC एजेंट मोटिवेट हो जाए, आपको देख के कोई भी LIC एजेंट बोले मुझे तो उनके जैसा बनना है। और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे भाई। अपने लिए एक आदर्श रोल मॉडल LIC एजेंट चुनिए, और वो जैसा जैसा करता है वैसा वैसा करते जाइए, उसके जैसा बन जाएंगे। कभी भी आर्थिक तंगी परेशान नहीं करेगी, कभी भी आपके पास पैसे का अभाव नहीं रहेगा, कोई भी आपका काम कभी नहीं रुकेगा, आपके पास अनुभव बढ़ेंगे, आपके पास तजुर्बा बढ़ेगा, आपके पास पॉलिसी होल्डर्स बढ़ेंगे, आपके पास इनकम बढ़ेगी, आपके पास नाम, पहचान, शोहरत सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन अपने आप को कभी भी बैकफुट पर आने मत दीजिएगा। कल जितना किए हैं उससे आज बेहतर करिए, खुद को अपना कंपटीटर बना लीजिए, रोज के रोज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़िए, साल दर साल अपने रिकॉर्ड को तोड़िए, देखिए आपको कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, आपको इनर पावर की ज़रूरत है, आपको सबकॉन्शियस माइंड के पावर की ज़रूरत है। आपने आज तक जो भी हासिल किया है अपने दम पे किया है, अपने इंस्पिरेशन से किया है। मोटिवेशन से अगर कोई काम करता तो रोज की रोज मोटिवेशनल वीडियो सुन के फील्ड में जाता, लेकिन अगर अंदर से इंस्पिरेशन आ गया, अंदर से जुनून आ गया, अंदर से सपने पूरे करने की चाहत आ गई, अंदर से अगर कुछ बनने की लालसा आ गई, तो उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अंदर से दिल बोलना चाहिए मुझे ये हासिल करना है और वो मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।